खरगोन जिले के मंडलेश्वर में संचालित हो रहे सुजस नर्सिंग कॉलेज में प्रबंधन व छात्र छात्राओं के बीच चल रहा मामला मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंच गया। छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर कागजों पर कॉलेज चलाने के साथ ही फर्जी तरीके से उनसे फीस वसूली का आरोप लगाते हुए कॉलेज प्रबंधन पर कार्यवाही की मांग की। कलेक्टर के नाम सौंपे शिकायती पत्र में छात्रा प्रीति गिरवाल, अश्विनी रायकवार, खुशी श्रीवास, शिवानी डावर आदि ने बताया कि उन्होंने 3 साल पहले कॉलेज में प्रवेश लिया था। 3 साल में एक बार भी परीक्षा नहीं हुई है। हाल ही में अन्य कॉलेजों में हो रहे एनरोलमेंट के बाद हमें कॉलेज की मान्यता नहीं होने की जानकारी मिली। इसके बाद से कॉलेज में पढ़ रही सभी छात्राएं अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कॉलेज प्रबंधन इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद जवाब देने की स्थिति में नहीं है, न ही स्थानीय प्रशासन शिकायत के बाद कोई एक्शन ले रहा है। छात्राओं ने मांग की है कि उनके दस्तावेज अन्य कॉलेज में ट्रांसफर किए जाएं, एडमिशन देने के साथ ही परीक्षा ली जाए, जिससे उनका शैक्षणिक सत्र खराब ना हो। विद्यार्थियों का कहना है कि रोजगार और अच्छे भविष्य की आस में 3 वर्ष पढ़ाई की थी, लेकिन अब उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। परिवार वाले भी मानसिक रूप से परेशान हैं। इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दस्तावेज कॉलेज प्रबंधन के पास है। सर, हम सुजस नर्सिंग कॉलेज से, मंडलेश्वर से। हमारे पास ना कॉलेज है, ना टीचर्स है, ना पानी की व्यवस्था है। हर चीज़ से हमको प्रॉब्लम हो रही है, और बाकी बहुत सब ठीक है, लेकिन हमको अभी तक ये कंफर्म नहीं पता चला है कि हमारी मान्यता है भी या नहीं है कॉलेज की। जब हमारी कॉलेज में CBI जांच आई थी, तब हमारा एक दिन के लिए कॉलेज किराए से लेके वहाँ पे सारे टीचर्स वगैरह सब किराए से लेके आए थे, सारी सुविधा अवेलेबल करवाई थी वहाँ पे। और हमने SDM ऑफिस भी गए थे सर के पास बात करने के लिए, उनसे हमारी सारी मांगे पूरी करने के लिए कहा था, तो उन्होंने भी हमको कोई जवाब नहीं दिया है। अब इतने समय से पढ़ रहे, क्लासें नहीं लग रही थी, तो कोई मांगने की सर बहुत सारी हमने शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। कौन है वहाँ के संचालक? वहाँ के संचालक यादव सर है हमारे, और डॉक्टर भरवे है। भरवे जी का कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है वो? हाँ सर, उनका कहना ये है कि मेरा इस कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कॉलेज में जब भी कुछ फंक्शन होता है तो हमारे डायरेक्टर वही हुए हैं। क्या नाम? मेरा नाम मोनिका गंगवाल है। सर, सर सुजस नर्सिंग कॉलेज से, GNM फर्स्ट ईयर 22-23 की बैचेस। वहाँ पे टीचर्स, एक टीचर से कोई पढ़ाई नहीं होती है, तो उससे हम कॉलेज नहीं जाते हैं, और 3 साल हमारे बिगड़ चुके हैं। अभी कैसे मालूम पड़ा? अभी 1-2 दिन से ये माहौल चल रहा है सर। बाकी कॉलेजों में मान्यता, है तो उनके इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, और हमारे कॉलेज में इन्वॉल्वमेंट वगैरह कुछ नहीं हो रहे। 30 तारीख लास्ट है, तो फिर हमारे तो वापस 2 साल बिगड़ रहे हैं। फिर घर वाले मना कर रहे पढ़ाई वगैरह का। स्थानीय प्रशासन से मांग की थी, क्या हुआ? उन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं करी है, और कॉलेज में भी कोई मतलब पानी की व्यवस्था वगैरह कुछ नहीं, टीचर्स नहीं है। क्या नाम? खुशी श्रीवास। हमारी मांग ये है कि हमारी एग्जाम नहीं हो रही है, और हमें ट्रांसफर चाहिए। हमारे डॉक्यूमेंट्स हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और हमारी जो भी फीस लगी है वो दे दे, हमारे 3 साल वेस्ट नहीं हो। और जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर अखिलेश भरवे, उन्होंने बोला है कि उनका कोई लेना देना नहीं है कॉलेज से, और हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सारे जो भी फीस वगैरह हमने भरी है वो हमें लौटा दे। कितने बच्चे जुड़े हुए कॉलेज से? कॉलेज से GNM फर्स्ट ईयर के 45 बच्चे हैं, और BSc के 30। इस तरह से आपके इसके भविष्य पर फर्क पड़ गया इसका? इस पे हमारी एग्जाम नहीं होगी तो हमारे 2-3 साल वेस्ट होंगे। हम दूसरे कॉलेज में हमारा ट्रांसफर कराया जाए, और कौन से कॉलेज है आप लोग? सुजस नर्सिंग कॉलेज। कहाँ पर है? मंडलेश्वर। क्या नाम? दुर्गा अलावा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।